नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ISL सीजन 7 से जुड़े ट्रांसफ़र न्यूज़ को लेकर। लेकिन दोस्तों, उन सभी न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों हैदराबाद FC के न्यू लोगो को लेकर। तो ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है दोस्तों हैदराबाद FC का ये न्यू लोगो पहले का लोगो से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ये लोगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, ये लोगो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये लोगो के बारे में बात किया जाए तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आने वाले समय में जो हम हैदराबाद FC के जर्सी में देखेंगे वो यही लोगो होगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये लोगो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके इसके बारे में बताइए। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है ATK मोहन बगान FC को लेकर। तो दोस्तों, मिरोस्लाव कोविलो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ATK मोहन बगान FC टीम मैनेजमेंट, और साथ ही साथ दोस्तों बेंगलुरु FC टीम मैनेजमेंट भी मिरोस्लाव कोविलो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है इनको अपनी टीम में साइन करने के लिए। तो दोस्तों, मिरोस्लाव कोविलो के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका उम्र दोस्तों 34 साल और ये डिफेंसिंग मिडफील्ड के खिलाड़ी हैं, बोस्निया से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी हैं। और ATK मोहन बगान FC या फिर बेंगलुरु FC टीम मैनेजमेंट इनको अपनी टीम में साइन करती है तो इनको ट्रांसफ़र फ़ी देना पड़ेगा अपने टीम में साइन करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मिरोस्लाव कोविलो अभी FC लुगानो के लिए खेल रहे हैं और FC लुगानो के साथ मिरोस्लाव कोविलो का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। 30 जून को इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों ATK मोहन बगान टीम मैनेजमेंट या फिर बेंगलुरु FC टीम मैनेजमेंट इनको अपने टीम में साइन करती है तो इनको ट्रांसफ़र फ़ी देना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है मिरोस्लाव कोविलो को लेकर। लेकिन दोस्तों, दोनों ही टीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मिरोस्लाव कोविलो को अपने टीम में साइन करने के लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों कि मिरोस्लाव कोविलो को लेकर आगे क्या अपडेट आता है। अगर वो ATK मोहन बगान FC में साइन या फिर बेंगलुरु FC में साइन करते हैं तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे अपडेट के बारे में। तो तीसरा अपडेट निकल के आ रहा है ईस्ट बंगाल के न्यू स्पॉन्सर को लेकर। तो वोल्टास वेको बनी है दोस्तों ईस्ट बंगाल का न्यू स्पॉन्सर, ग्राउंड स्पॉन्सर बनी है दोस्तों वोल्टास वेको। तो देख सकते हैं दोस्तों वोल्टास वेको का बैनर लगा हुआ है ईस्ट बंगाल के क्लब में, और सुना जा रहा है एक साल के लिए स्पॉन्सर बनी है वोल्टास वेको ईस्ट बंगाल टीम का। तो दोस्तों, कितने लोगों को ये लग रहा था कि वोल्टास वेको ईस्ट बंगाल टीम का इन्वेस्टर बनी है, लेकिन दोस्तों वो इन्वेस्टर नहीं बल्कि स्पॉन्सर है दोस्तों, जो कि एक साल के लिए ही है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ईस्ट बंगाल ISL अपडेट के बारे में। तो सुना जा रहा है ईस्ट बंगाल टीम मैनेजमेंट जल्दी अनाउंसमेंट करने वाली है ISL को लेकर कि वो ISL में खेलेगी कि नहीं खेलेगी। लेकिन दोस्तों, सोर्स से पता चल रहा है कि ईस्ट बंगाल जो है वो ISL में एंटर करने के लिए वो सारी तैयारी कर चुकी है, बस अनाउंसमेंट करना बाकी है। तो आगे देखना ये है दोस्तों कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ईस्ट बंगाल ISL खेल रही है ये बात अभी एक र्यूमर ही है, लेकिन आगे जाके कंफर्म हो सकता है जब ईस्ट बंगाल अनाउंसमेंट करेगी ISL को लेकर। लेकिन दोस्तों, पता चल रहा है कि ईस्ट बंगाल जो है वो तैयारी कर चुकी है ISL में एंटर करने के लिए। तो आगे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि ईस्ट बंगाल की तरफ से कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ जाता। लेकिन दोस्तों, अगर ईस्ट बंगाल को लेकर कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट आता है ISL के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।